जिंदगी जेका तलख पाहे त शीरीन, जंहिंजो सफ़र थकाईंदड़ पाहे त हौसलो ॾींदड़। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शोबनि जा माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी जा वर्क उथलाईंदा मूं सां गॾु। प्रोग्राम ग्लिम्सेस ऑफ लाइफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लिम्सेस ऑफ लाइफ प्रोग्राम में मुझे आज जो मेहमान एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो वड़ो नालो पॉपुलर पॉलिटिशियन करंटली अ फिल्म मेकर जावेद जबार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? बिल्कुल खैरियत, जिस हद तक खैरियत हो सकती है ऐसे हालात में जो मुल्क में गुजर रहे हैं। जी आजकल क्या हो रहा है? आजकल जो हो रहा है, पाकिस्तान एक बहुत ही अनोखा मुल्क है जिसकी कोई तारीख नहीं थी माजी में। एक बिल्कुल नया मुल्क है, नए किस्म का मुल्क है। तो ये जो कश्मकश हम देख रहे हैं, कशीदगी देख रहे हैं, ये एक मुल्क कोशिश कर रहा है एक कौम बनने की, क्योंकि हमारे पास कई कौमें हैं और वो कौम में कौमों में से उभरेगा कोई पाकिस्तानी शिनाख्त जिसमें इंसाफ हो, समाजी इंसाफ, सूबों की सतह पर इंसाफ। और ये बहुत अच्छा कदम है कि NFC अवार्ड बन गया है, इंसाफ की तरफ एक कदम है। लेकिन कई और हमारे पास नाइंसाफियां हैं और इसी वजह से ये बहरान है, कशीदगी है, इख्तिलाफ है, तशद्दुद है। और लोग समझते हैं कि फ़र्क और डिसएग्रीमेंट को अगर सेटल करने का तरीका सिर्फ है असलाह और तशद्दुद, तो ये हमारे एक गहरे बहरान का इजहार है। लेकिन मैं मुझे एतमाद है कि इस बहरान से गुजरते हुए पाकिस्तान एक ऐसी शिनाख्त अपनाएगा आइंदा सालों में जो सही मायनों में फिर इस रियासत को तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ा सकेगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी बहुत मुश्किल मरहले अभी बाकी हैं। सही कह रहे हैं। इसमें तय करने एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग एंड यू आर टेकिंग पार्ट इन इट। यू आर वर्किंग विद डिफरेंट NGOs एंड गवर्नमेंट, वॉलंटरली यू आर वर्किंग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई हैं? कितना कंट्रीब्यूशन है उसका अभी तक? देखिए, पाकिस्तान एक वसी बहुत बड़ा मुल्क है, 170 मिलियन हमारी आबादी है और माशाल्लाह जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, हालांकि ये रफ्तार कुछ कम हुई है, 30 साल में हम 7वें नंबर से बन जाएंगे चौथा सबसे बड़ा मुल्क सारी दुनिया का 200 ममालिक आबादी के एतबार से। बिल्कुल, इस वक्त 170 मिलियन है तो प्रोजेक्शन है कि हम 300 मिलियन तक पहुंचेंगे बहुत तेजी से 30 साल के बाद, और उसके बाद जाके स्टेबल होगा। अब इतने बड़े मुल्क में जो डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी, जी मैंने कहा डेमोक्रेसी में हम कितने नंबर पे कब तक पहुंचे डेमोक्रेसी में। लेकिन डेमोक्रेसी के एतबार से तो हम काफी आगे हैं, बावजूद इसके कि हमारे पास फौजी आमरियत रही है और जमहूरी प्रोसेस को बार बार कुछ सालों के बाद तोड़ा गया। लेकिन पाकिस्तानी अवाम की जो फितरत है बड़ी जमहूरी है, हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने का बहुत शौक है। हालांकि 50% लोग वोट डालते हैं, लेकिन अगर आप एतबार से देखें कितने इलेक्शन हुए हैं गुज़श्ता 25 साल में, तो हर 3 साल एक इलेक्शन हो जाता है। कभी शुरू तो हुआ था गैर जमाती बुनियाद पर 1985 में जब मैं गया था सेनेट में, लेकिन उसके बाद वर्चुअली एवरी 3 or 4 years एक्सेप्ट फॉर दैट पीरियड व्हेन मुशर्रफ केम, बट इवन ही हैड टू होल्ड इलेक्शंस। और हमारे पास तंजीमें हैं, क्लब्स हैं, ट्रेड यूनियन है, टीचर्स एसोसिएशंस हैं, डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं, ये सब चेंबर ऑफ कॉमर्स है, सारे बड़े जमहूरी हैं, उनके इलेक्शन। आज भी मैं गया था एक क्लब में, ओहो जिस जोश और जज्बे के साथ वो इलेक्शन हो रहा था। आर्ट्स काउंसिल का इलेक्शन होता है, लेकिन हर 3 साल बाद आमिर क्यों आ जाता है? आता है क्योंकि हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से हमने गैर एतमाद अंदाज में एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया और बेचैनी से बल्कि लालच दी फौज को और उनको दावत दी कई दफा कि जी आप आकर संभालें।
बेशक अफराद बदलें, आज कोई सदर हो, कोई वजीर आजम हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, उसकी वजह से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। द सिस्टम एंड इदारे जिसको कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल्स। इदारे ज्यादा अहम है बनिस्बत किसी एक फर्द के या पांच फर्द के। तो ये मैच्योरिटी आ रही है पाकिस्तान के अवाम में, और मैं तो पूरी उम्मीद हूं कि बावजूद ये मौजूदा कशीदगी के और तशद्दुद के और बर्बरियत के जो तालिबान की वजह से आया है इस मुल्क में, दीगर और वजूहात के बिना पर हम आगे बढ़ेंगे। क्या ख्याल है आपका, अभी जो टेररिज्म बढ़ रहा है, ज्यादा हद तक बढ़ रहा है, क्या वजूहात है? ओह, क्या सवाल आपने पूछ लिया, क्या मतलब वजूहात है? सही, गवर्नमेंट इसमें है, मतलब उसका भी एक है कि भाई इसमें, इस इट, हाँ। इसमें वजूहात कई हैं बीबी, जैसे लोग जानते हैं, एक नाइंसाफी का, एक जहां भी एक आप